ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको नमस्ते। एक बहुत ही सुंदर सवाल गायत्री मंत्र के ऊपर। प्रणाम स्वामी जी, क्या सत्य में गायत्री मंत्र जाप करने से ये बेनिफिट्स होते हैं, तो कैसे, कितने टाइम जाप करना चाहिए? जो बेनिफिट्स मैंने सुना है वो है रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर लाइफ, प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द डेंजर, ब्राइटन्स योर माइंड, डिस्पल्स इग्नोरेंस, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज, ओपन्स योर साइकिक विजन, ब्रिंग्स डायरेक्ट नॉलेज ऑफ एटर्नल ट्रूथ्स। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, ये सत्य है। यदि गायत्री मंत्र का जाप और हवन में आहुति डाली जाए, लेकिन अर्थ सहित और आचरण में आकर डाली जाए, तब गायत्री मंत्र सबको बहुत ज्यादा लाभ देगी। गायत्री मंत्र ईश्वर की स्तुति कर रहा है, हमें स्तुति करने का ढंग बता रहा है। जैसे भूहु भुवः स्वः देवः सवितः वर्गः, ये ईश्वर के गुणगान है, जिसका अर्थ सबको मुंह जबानी होना चाहिए। धीमहि का अर्थ है रोजाना ईश्वर के ध्यान में बैठना चाहिए, यह ईश्वर की पूजा है। यदि हम गुणगान गाएंगे, ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे, तो हम अंत में गायत्री मंत्र में लिखी गई प्रार्थना करने के लायक बनेंगे कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कर दे। यदि हम इतना कुछ नहीं करते तो गायत्री मंत्र का जाप या इससे किया हुआ हवन हमें कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि ऋग्वेद मंत्र 1:164 में स्पष्ट कहा है कि केवल पढ़ा सुना वेद मंत्र कोई लाभ नहीं देगा। सबको नमस्ते। ओम।